फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद यूनस दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उम्मीदवार बराए एमएनए मियां इरफान मनान NA 101 ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। इसके खात्मे के बगैर हम किसी सूरत भी तरक्की की मंजिल तय नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून अदवार में कौमी मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ग्रास रूट लेवल तक तरक्की के अमल को यकीनी बनाने के लिए हकीकी जदोजहद की गई और इसके समरात अवाम तक मुंतकिल भी हुए, मगर माजी के 3.5 सालों ने मुल्क को कई दिहाया पीछे कर दिया है। मुस्लिम लीग ने अपने हर दौर में खरबों रुपए के तरक्याती काम किए और आइंदा भी तामीर और तरक्की का यह सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में अवाम को रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश की गई। साबिक हुकूमत ने जिस तरह मुल्क की मईशत तबाह की, उसे दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने में वक्त लगेगा। साबिक हुकूमत में मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा। PTI की साबिक हुकूमत ने ना अहली और नालायकी की चैंपियनशिप जीती। मियां इरफान मनान ने मजीद कहा कि हिम्मत के जज्बे से की गई सियासत किसी इबादत से कम नहीं।